जिले में सदर पीएचसी पर लगा पहला कोविड वैक्सीन आता देवी बनी पहले वैक्सीन न भरती। खबर चंदौली से, आज पूरे देश में कोविड वैक्सीन की शुरुआत की गई है। जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर साहेबगंज नियमताबाद और बनानी स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन की शुरुआत हुई है। इस क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सदर में वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सदर पर SDM व जिले के नोडल अधिकारी मौजूद में वैक्सीन निरीक्षण क्रम में हुआ। इस दौरान SDM सदर ने पहले वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया गया और तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद वैक्सीन लगने के लिए चयनित स्वास्थ्य कर्मी को मौके पर बुलाया गया और एक एक करके सभी दस्तावेज चेक वैक्सीन लगाई गई। खास रिपोर्ट सुजीत कुमार चंदौली। जी डॉक्टर डी एस उपाध्याय। कहाँ पर तैनात है? एडिशनल PSC मधुपुर। आपका कोविड वैक्सीन आपको लगा है, कैसा लग रहा है और कोई दिक्कत? ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमको हो रही है, सब ठीक लग रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे? सबको लगवाना चाहिए इसको, उससे बचाव के लिए लगाया जा रहा है तो सबको इसमें लगवाना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसका साथ देना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाना चाहिए। वैक्सीन ठीक है, आप लगाए, अभी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमको एकदम ठीक है। हाँ, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अंजू सिंह यहाँ पे PSC पे कार्यरत हूँ। आज मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, उससे मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं फील हो रही है, अच्छा लग रहा है। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सारी जनता इस वैक्सीन को जरूर लगवाए। कैसा महसूस हो रहा है और सिलेक्शन के बाद कैसी? ठीक लग रहा है, कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही, जैसा वैक्सीन लगवाने के पहले लग रहा था वैसे ही बाद में भी लग रहा है। अपील करेंगे सर? जी हाँ, मैं सबसे अपील करूँगी कि वो इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। हाँ, हमारा नाम आशा देवी है, हम फुटिया से हैं, फुटिया चंदौली से। आपको वैक्सीन लगा है, पहला वैक्सीन नेटर आप बनी हैं, कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत हुई आपको? बहुत अच्छा लगा, हम निडर गए, अच्छे से लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आधा घंटा बैठाया भी गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब लोग थे। क्या अपील करना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि सभी लोग लगवाएं, कोई अफवाहों में ना पड़े। अच्छा महसूस कर रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सर, आज वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है, क्या रहा, कितने लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, क्या तैयारियाँ? ऐसा है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। उस क्रम में हमारे चंदौली जनपद में 4 ब्लॉकों का चयन किया गया है, जिसमें बरहनी है, चंदौली है, साहबगंज है और नियमताबाद ब्लॉक में आज 100-100 लाभार्थियों को उद्घाटन के मौके पर कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम आप सब लोगों ने देखा कि आप सबकी उपस्थिति में ये प्रारंभ कर दिया गया है। जिन भी व्यक्ति को लिस्ट के हिसाब से टीका लगेगा उनका बाकायदे आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाएगा, उसके बाद उनको वैक्सीनेशन के उपरांत उनकी एक फ़ोटोग्राफ ली जाएगी, उनके आगे नाम लिख करके उसकी फ़ोटो ली जाएगी और उसके बाद उनको पोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए उनको आधे घंटे के लिए बैठा दिया जाएगा। जैसे ही उनका आधा घंटा पूरा होगा, यदि उनको किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है तो उनको घर जाने दिया जाएगा, और यदि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, चाहे माइनर या मेजर, उसके लिए हमारी बगल में एक एडवर्स इफ़ेक्ट रूम बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर की तैनाती की गई है। किसी भी चुनौती के सामना करने के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार हैं, हमारे यहाँ बाहर एम्बुलेंस भी लगी हुई है, यदि कोई बड़ी घटना या घटना घटती है तो उसको हम तुरंत जिला अस्पताल भेजेंगे और हम पूरी तैयारी के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। कैसे अंकुश लगाया जाएगा और क्या उसके लिए क्या करना है? देखिए, इसमें हम जनता से अपील कर रहे हैं, या जिनको ये टीका लग रहा है वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित है और इसमें किसी भी प्रकार की अफवाह जो लोगों द्वारा फैलाई जा रही है भ्रामक है, और इसको जनता ही इसको दूर कर सकती है, या पहले दिन टीकाकरण के बाद ये स्वतः अपने आप जनता के दिमाग से निकल जाएगा कि इसका कोई रिएक्शन हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि हर दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, वो 1,000-10,000 में एक व्यक्ति को होता है तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, और अगर कोई जनरल अगर इस तरह से होता है कि हर व्यक्ति को टीका लगने के बाद रिएक्शन हो रहा है, तब तो हम इस अफवाह को माने।
और जैसा कि आप देख रहे हैं टीका कार्यक्रम शुरू हो चुका है, अब तक 2-3 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, 10 मिनट बीत चुके हैं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट उसका नहीं दिख रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि AFI जो सीवियर होता है वो 5 मिनट के अंदर ही शुरू हो जाता है, 5 मिनट के अंदर उसको AFI आफ्टर टीकाकरण जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसकी शुरुआत 5 मिनट के अंदर ही हो जाती है। अगर तुरंत उसको वहाँ पर खुजली होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, उसको पूरे बॉडी में इचिंग होने लगती है, इस तरह की कोई घटना अभी तक हमारे यहाँ अभी 3 लोगों में नहीं सामने आई है, और ये केवल एक भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है विरोधियों द्वारा, देश के विरोधियों द्वारा।